नमस्कार, आप देख रहे हैं गुजरात तक का कोरोना स्पेशल बुलेटिन और आपके साथ मैं हूं सौम्या। 8 बज गए हैं और दिन भर की कोरोना स्पेशल खबरों पर नजर करते हैं। गुजरात हाईकोर्ट से फटकार मिलने के बाद अब गुजरात हेल्थ डिपार्टमेंट एक्शन मोड में आ गया है, डैमेज कंट्रोल करने की शुरुआत कर दी है। आरोग्य सेक्रेटरी जयंती रवि और आरोग्य कमिश्नर जयप्रकाश शिवहरे ने पीपीई किट पहनकर अहमदाबाद के सिविल अस्पताल की कोविड-19 का ब्यौरा किया, मरीज और डॉक्टरों से बातचीत भी की और साथ में सिविल अस्पताल की कार्य प्रणाली को भी जानने की कोशिश की। हाईकोर्ट की फटकार के बाद न सिर्फ गुजरात के हेल्थ डिपार्टमेंट ने बल्कि गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी और डिप्टी सीएम नितिन पटेल ने डैशबोर्ड से सिविल अस्पताल की निगरानी करने की शुरुआत कर दी। गुजरात हाईकोर्ट से फटकार के बाद गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी और डिप्टी सीएम और हेल्थ मिनिस्टर नितिन पटेल ने साथ में बैठकर सीएम डैशबोर्ड से सिविल अस्पताल का ब्यौरा किया और अस्पताल में मरीज और डॉक्टर क्या कर रहे हैं उसकी निगरानी भी की। अभी तो सिविल अस्पताल में धमन वेंटिलेटर का मुद्दा थमा भी नहीं था कि एक और मुद्दा सामने आ गया। ये सिविल अस्पताल की सबसे बड़ी लापरवाही है। अहमदाबाद के सिविल अस्पताल की लापरवाही आई सामने। 45 साल की महिला कोविड-19 में जो भर्ती थी उसकी मृत्यु के 2 दिन बाद पता चलता है कि उनका रिपोर्ट नेगेटिव आता है। महिला को सांस लेने में तकलीफ के चलते अस्पताल में भर्ती किया गया था, लेकिन महिला की मृत्यु होने के बाद रिपोर्ट का खुलासा होता है। हार्दिक पटेल ने रूपानी सरकार पर कसा तंज, कहा लॉकडाउन में छूट छाट देने के बाद कोरोना की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हुई है। गुजरात सरकारे पोताना प्राइवेट सेक्टर नी अंदर पोताना माणसों ने मजबूत करवानो काम कर्यु छे अने खोटी रीते गुजरात मॉडल खूब सारू छे एवू देखाड़वानो आ लोकोए प्रयास कर्यो छे। तमे सौ जाणो छो कि गुजरातनी अंदर छेल्ला 2 महीनाथी, आ वात बहु साची अने स्पष्ट वात करूं छुं, छेल्ला 2 महीनाथी रोजनो आंकड़ो 370, 380, 395, 390 આ ફિક્સ આંકડો છેલ્લા 2 મહિનાથી આવે છે। શું કોરોનાને 400 ઉપર જતા બીક લાગે છે? શું કોરોનાને 350 નીચે આવતા બીક લાગે છે? તો પછી આ ફિક્સ આંકડો કઈ રીતે આવે છે? ગુજરાતની અંદર લોકડાઉનને હળવું કર્યા પછી સતત કેસો વધી રહ્યા છે। અગલી ખબર રાજકોટ સે હૈ। રાજકોટ નગર નિગમ કી એક અનૂઠી પહેલ, માસ્ક ન પહેનને વાલે પર रखी जा रही है बाज नजर। राजकोट में मास्क नहीं पहनने पर अब लोगों की जेब कट रही है। अगर आप भी मास्क पहने बिना घर से निकल रहे हैं तो सावधान हो जाइएगा, वरना महंगाई में आटा गीला होगा। राजकोट नगर निगम की पहल है मास्क नहीं पहना तो घर आएगा जुर्माना। नगर निगम ने अब तक सीसीटीवी के आधार पर 300 लोगों के घर ई चलान दे चुके हैं। अहमदाबाद के माधोपुरा होलसेल बाजार को अनुमति मिली अपनी दुकानें खोलने की, लेकिन जैसे ही दुकानें खुली वैसे सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ गईं, जिसकी वजह से सिर्फ चंद घंटों में ही प्रशासन को नौबत आ गई दुकान बंद करवाने की। अहमदाबाद में कालूपुर होलसेल मार्केट में लॉकडाउन में ढील देने के बाद सुबह 8 से 1 बजे तक बाजार खुले थे, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न होने की वजह से महज 1 ही घंटे में पुलिस ने पूरा मार्केट बंद करवा दिया। कालूपुर चोखा बाजार अहमदाबाद का सबसे बड़ा होलसेल मार्केट है। गौरतलब है कि गुजरात में कोरोना संक्रमण की संख्या 15,000 के पार हो गई है। अहमदाबाद जो हॉटस्पॉट में है, अहमदाबाद में ये संख्या 10,900 के पार हो गई है। रिकवरी की अगर बात की जाए तो अब तक 7,300 से भी ज्यादा लोगों ने कोरोना को मात दे दी है। मृत्यु की बात की जाए तो अब तक 950 से भी ज्यादा लोग कोरोना के सामने जिंदगी की जंग हार गए हैं। अभी बस इतना ही। गुजरात की बाकी सारी खबरें देखने के लिए आप देखते रहिए गुजरात तक। अपना बहुत ख्याल रखिए, 2 गज दूरी अक्सर बनाए रखिए। नमस्कार।